सम्मानित मंच के सामने विराजमान तमाम मानव लोगों की गौरवमयी मौजूदगी को प्रणाम निवेदित करते हुए गंगानगर जिले के इस महर्षि दयानंद महाविद्यालय के सम्मान समारोह के उपलक्ष्य पर जो आप लोगों ने बुलाकर मां ने वो सम्मान दिया उसके लिए आप तमाम लोगों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद दोस्तों। और साथ ही इस प्रकार के आयोजन निश्चित रूप से इसलिए जरूरी होते हैं कि वो तमाम चेहरे जो विगत एक वर्ष अपनी कड़ी मेहनत और अथक प्रयासों से इस महाविद्यालय का अपने माता पिता का अपने समाज का नाम समूचे देश एवं प्रदेश के अंदर विख्यात करने का जो प्रयास करते हैं और उनके ऐसे माध्यम तैयार करके महाविद्यालय जो विद्यार्थियों को सम्मानित करता है उसके लिए आप तमाम लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और साथ ही आप तमाम लोगों से बेहद बड़ी उम्मीद है आपके महानुभावों को आज यहां पर अध्ययन करने वाले अधिकांश विद्यार्थी किसान परिवार से आते हैं और मैं किसान का बेटा हूं तो किसान के दुख दर्द से अच्छी तरह वाकिफ हूं। तो जो आशा और उम्मीद आपके महानुभाव आपके माता पिता या आपके शुभ चिंतक आपसे रखते हैं उन उम्मीदों पर खरा उतर कर ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रयास करें, हम यही उम्मीद करते हैं आप तमाम लोगों से। मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं आप तमाम लोगों का जब समूचे राजस्थान के अंदर इस सामंती सरकार के दिशा निर्देश पर फीस की दरें बढ़ाई गई तब महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के अंदर फीस वृद्धि को लेकर जो आंदोलन चला उस आंदोलन के अंदर बीकानेर संभाग के उस आंदोलन में मैं गंगानगर जिले के उन विद्यार्थियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने भी उस आंदोलन के अंदर जो किसान परिवार से विद्यार्थी आते हैं जिन विद्यार्थियों की कड़ी कमाई को राजस्थान सरकार के चंद नुमाइंदों के प्रयास के कारण सरकार के खजाने के अंदर डालने का जो चंद लोगों का प्रयास था उस प्रयास को विफल करने में उस आंदोलन को जो 17 दिन तक आंदोलन चला चाहे 5 दिन तक जेल के अंदर रहे चाहे 4 दिन तक जेल के अंदर भूखा रहना पड़ा दोस्तों, लेकिन आप लोगों की लड़ाई को बड़ी ईमानदारी से लड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। और मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि इस पूरे बीकानेर संभाग के उन तमाम विद्यार्थियों को कि सरकार ये घोषणा करे कि किसान वर्ग परिवार से आने वाले उन विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाया जाए ये प्रत्येक सरकार का नैतिक दायित्व बनता है। लेकिन शिक्षा को एक व्यापार बनाकर रख दिया इन चंद लोगों ने, इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त बारी है परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। मैं कतरा होकर के तूफानों से जंग लड़ता हूं, मुझे बचाना इस समंदर की जिम्मेवारी है। कोई पूछे उसके कुरूरे बेजा से वो जंग हमने लड़ी ही नहीं जो हारी है। दुआ करो कि सलामत रहे हमारी हिम्मत क्योंकि ये एक चिराग के आंधियों पर भारी है दोस्तों। इसलिए आप लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि जहां भी विद्यार्थियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने की बात आती है ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है दोस्तों, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है समूचे राजस्थान के अंदर जहां भी जाते हैं विद्यार्थी को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक युग के अंदर जिन सरकारों से हम उम्मीद किया करते थे कि विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला लेंगे वो सरकारें तो चली गई, लेकिन वर्तमान सरकार कान पर एक तमाचा मारने पर होश ठिकाने पर आने वाली सरकार है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों पर हो रहे अत्याचार एक बार फिर निकले हमें जगाने को और स्वतंत्रता के प्रथम समर की हमको याद दिलाने को। अरे चोर लुटेरे क्या जानेंगे गांधी की परिभाषा को लोकतंत्र की आशा को संविधान की भाषा को। मत समझो असमत अकेले हैं कुछ भी कर पाने में, एक दिया काफी है अंधियार को दूर भगाने में दोस्तों। खुद को कमजोर नहीं समझे, वर्तमान जितने भी बड़े परिवर्तन हुए आप पुराने आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए जहां भी समूचे देश के अंदर कोई क्रांति हुई है चाहे देश के लिए बलिदान देने की बात आई तो उन तमाम चेहरों का आंकड़ा आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए वो तमाम चेहरे युवा थे दोस्तों। इसलिए कहा भी जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, खुद को कमजोर न समझे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि विद्यार्थी वर्ग जिस रास्ते पर चल जाता है उस रास्ते को सही साबित करना हम लोगों का फर्ज बनता है।
इसलिए सही दिशा की ओर चले, शिक्षा के माध्यम से या राजनीति के उन तमाम मंचों के माध्यम से अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने संस्था का नाम रोशन करें, जो आप तमाम लोगों से उम्मीद रखते हैं। आप लोगों का जो समय कीमती समय में खराब नहीं करके आप तमाम लोगों से अपना आज्ञा चाहता हूं, आप लोगों से धन्यवाद। आप लोगों ने रूबरू होने का मौका दिया, अध्यक्ष जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, काली राजा का भी, आप तमाम लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय छात्र शक्ति। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर तुकला, प्लीज रिमेन ऑन द स्टेज प्लीज।